दोस्तों, ये है स्कैलीज लोशन। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्कैलीज लोशन के बारे में पूरी जानकारी, जैसे स्कैलीज लोशन क्या है, स्कैलीज लोशन में इंग्रेडिएंट क्या है, स्कैलीज लोशन का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, और स्कैलीज लोशन लगाने पर हमारे स्किन पर इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं स्कैलीज लोशन जैसी कोई भी दवा आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देने का है। कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आमिर एंड यू वॉचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन्स। दोस्तों, स्कैलीज लोशन की जानकारी के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं स्कैलीज लोशन में मौजूद इंग्रेडिएंट के बारे में। दोस्तों, स्कैलीज लोशन बनाने में दो तरह की इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है। पहला है गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड और दूसरा है सेट्रीमाइड। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। दोस्तों, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे लिंडेन के नाम से भी जाना जाता है, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड स्कैबीज का इलाज करने के लिए डॉक्टर इसे सजेस्ट करते हैं। दोस्तों, स्कैबीज एक तरह का कीटाणु होता है जिसकी वजह से हमें खुजली जैसी समस्या होती है। स्कैबीज की प्रॉब्लम होने पर, स्कैबीज वाली खुजली होने पर काफ़ी ज़्यादा स्किन में इचिंग होता है, स्किन में रैशेस होता है, और खुजलाने पर वहाँ जख्म भी हो सकता है। इसलिए स्कैबीज जैसी समस्या को ठीक करने के लिए गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक पावरफुल दवा है जो स्कैबीज को ठीक करता है। स्कैबीज एक ऐसी समस्या है जिसे ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दवा की ज़रूरत होती है, और गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक ऐसी दवा है जो आसानी से जुआ और स्कैबीज को ख़त्म करता है। दोस्तों, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड जुओं का इलाज करने के लिए भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है। अगर हमारे बाल में काफ़ी ज़्यादा जुएं हो गई है तो स्कैलीज लोशन लगाने पर या गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड वाली लोशन लगाने पर तुरंत आराम मिलता है, और हफ्ते में इसे अगर बालों में 3 से 4 बार इस्तेमाल किया गया तो आप जुओं की परेशानियों से बच सकते हैं और जुओं का सफाया कर सकते हैं। दोस्तों, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड त्वचा में होने वाली स्कैबीज की खुजली को ठीक करने में फायदेमंद तो है ही, साथ ही साथ ये खाज वाली खुजली के उपचार के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। ये पुराने से पुराने स्कैबीज को भी ख़त्म करता है और स्कैबीज को बढ़ने से रोकता है, और स्कैबीज के अंडों को भी ख़त्म करने में ये काफ़ी असरदार है। इसके साथ साथ ये जुओं के अंडों को भी आसानी से ख़त्म कर देता है, और आपके बालों में होने वाली खुजली को भी कम करने में काफ़ी असरदार है गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। दोस्तों, ये तो था गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड के बारे में जानकारी। अब आइए जानते हैं सेट्रीमाइड के बारे में, जो स्कैलीज लोशन में दूसरा इंग्रेडिएंट है। दोस्तों, सेट्रीमाइड के बारे में बात करें तो सेट्रीमाइड एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन है जो जख्म और घाव को जल्दी भरने में काफ़ी मदद करता है। दोस्तों, सेट्रीमाइड का इस्तेमाल घाव और जख्म को साफ करने के लिए भी किया जा सकता है। ये कीटाणुओं को ख़त्म करता है और जख्म में मौजूद कीटाणुओं को मारता है। दोस्तों, हमारे जख्म में कीटाणु होने की वजह से हमारा जख्म जल्दी नहीं सूखता है, और डॉक्टर इसलिए कहते हैं कि अपना जख्म बार बार आप साफ करिए। ये डॉक्टर कहते हैं इसलिए क्योंकि जख्म को जल्दी साफ करने से जख्म में मौजूद बैक्टीरिया और कीटाणुओं का सफाया हो जाता है और आपके जख्म में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। दोस्तों, स्कैबीज का इलाज के लिए गामा बेंजीन जैसे असरदार है, उसी तरह खुजली होने पर हमारे स्किन में जो रैशेस हो जाता है उसको ठीक करने के लिए सेट्रीमाइड लोशन भी बहुत ही अच्छी दवा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कैलीज लोशन में मौजूद दोनों इंग्रेडिएंट गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड और सेट्रीमाइड दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मिलकर बना है स्कैलीज लोशन,
जो एक अच्छी दवा के रूप में काम करता है। लेकिन ध्यान रहे, स्कैलीज लोशन बाहरी उपयोग के लिए है। अगर आप इसे बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे बिल्कुल भी बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल ना करें। और हाँ, स्कैलीज लोशन अपने बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से पहले, स्कैलीज लोशन का इस्तेमाल करने से पहले जैसे डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है, उसी तरह बच्चों और पालतू जानवरों से इस लोशन को दूर रखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर इसे लगाने का तरीका के बारे में जानें तो इसे गर्दन से नीचे, अपने चेहरे से नीचे या गर्दन से नीचे ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपके नाक में, आपके आँख में या आपके मुंह के अंदर ये स्कैलीज लोशन चला जाए तो आपके लिए ये खतरनाक हो सकता है। और डॉक्टर भी स्कैलीज लोशन का इस्तेमाल गर्दन से नीचे ही करने की सलाह देते हैं। आपके शरीर के किसी भी हिस्से में अगर स्कैबीज है, स्कैबीज वाली खुजली है या जुएं हैं तो आप गर्दन से नीचे इस्तेमाल करें। अगर आपको डॉक्टर कहें तभी आप अपने बालों में या अपने गर्दन से ऊपर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसका लगाने का सही समय ज़्यादातर रात में ही कहा जाता है। आप इसे रात में, दिन में किसी भी वक्त लगा सकते हैं, लेकिन इसे लगाने के बाद आप तुरंत अपने काम में बिजी ना हो जाएं। आप ध्यान रखें कि आप अपने शरीर में स्कैलीज लोशन लगा रहे हैं, क्योंकि आपके बॉडी में जो लगा हुआ स्कैलीज लोशन है उसमें अगर आपका हाथ पड़ेगा तो आप किसी भी खाने की चीज़ या अपने मुंह में हाथ लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं स्कैलीज लोशन लगाने पर इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हमारे स्किन में हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको स्कैलीज लोशन में मौजूद इंग्रेडिएंट जैसे गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड या सेट्रीमाइड, इन दोनों में से किसी एक से या दोनों से आपको एलर्जी है तो स्कैलीज लोशन से आपको एलर्जी हो सकती है या इससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन होने पर आपको पित्ती जैसा या खुजली जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा आपके स्किन में जलन होना, चुभन महसूस होना, रैशेस हो जाना या छोटे छोटे दाने हो जाने जैसी समस्या हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे साइड इफ़ेक्ट आपको हो। इसमें से कुछ एक साइड इफ़ेक्ट किसी किसी को, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है, तो इनमें से कोई साइड इफ़ेक्ट आपको हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको इसमें से कोई साइड इफ़ेक्ट दिखे या इससे ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट दिखे तो तुरंत इस लोशन का इस्तेमाल, स्कैलीज लोशन का इस्तेमाल बंद कर दें और तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया स्कैलीज लोशन के इंग्रेडिएंट की जानकारी, स्कैलीज लोशन कैसे इस्तेमाल करना है और स्कैलीज लोशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है तो वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाएं। अपने सोशल मीडिया की मदद से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।